Hello friends, I am Nishant Kumar here to discuss about the simple machine of basic science and engineering topics. जी हम basic science and engineering topic में discuss करने वाले हैं. आज आपको happy दिवाली, दिवाली की best wishes है हमारे साथ. आप इस दिवाली को भी मनाएं और इस वीडियो को भी देखें जी, क्योंकि आपके पास पता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमें एक एक टाइम को भी यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा जी. इसलिए हमने ये वीडियो आज भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो चलिए और आगे पढ़ते हैं. चलिए, थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत कुमार हियर टू डिस्कस अबाउट द सिंपल मशीन. हमने इससे पहले लीवर को कंप्लीट करा दिया है. अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाएं वो वीडियो देखें. इससे पहले स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिट एंड डायमेंशन, वर्क पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी के मैंने 10 से 12 लेक्चर करा चुके हैं. उसमें ट्रांसफार्मर पढ़ा चुका हूँ. आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दिया है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दिया है, रेक्टिफायर को मैं पढ़ाने वाला हूँ, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कवर करा दिया, उधर भी करा दिया है, और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो भी अपलोड किया है. मैं सारे प्लेलिस्ट बना रखा हूँ. बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का अलग बना रखा है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग बना रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग बना रखा है, एक मिक्स रीड का भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है. अगर आप देखना चाहें तो आप जाएं और वहां पे देख सकते हैं. अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम. चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम. ग्रुप डी के बहुत सारे लड़कों का भी एग्जाम है, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. तो चलिए, आपका इस ऑनलाइन रेलवे स्टडी चैनल पर स्वागत है, और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. क्या है जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक? सिंपल मशीन है जी. मैं बताना चाहूंगा कि हम सिंपल मशीन और फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं जी. ठीक है, तो देखिए, मैं सारा का सारा चीज कंसेप्चुअल पढ़ाता हूँ. जिन बच्चों को भी रटने की प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप लोग मेरे को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा जी, क्योंकि मैं तो लॉजिकल ही पढ़ाऊंगा और मुझे लॉजिकल ही आता है, क्योंकि मैं रटा नहीं सकता जी. और आपको भी पता है कि CBT 2 में आप अगर रटना भी चाहें तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है. इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को, और मैं सारा का सारा चीज कंसेप्चुअल ही चलूंगा जी. जब मैं न्यूमेरिकल, आपको भी पता है कि मैं अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल कराया हूँ. इस बुक में भी आपको 150-200 एक एक चैप्टर से क्या है जी, क्वेश्चन है. प्रैक्टिस कीजिए, हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद सेट लगाइए. अगर आप इस हर एक चैप्टर में अगर 200-200 क्वेश्चन बना लेते हैं, 150-150, उसके बाद सेट में अगर लगाइएगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. इसलिए जरूरी है कि आपको सेट लगाने से पहले एक एक चैप्टर का क्वेश्चन कीजिए, कम से कम 150-200 क्वेश्चन कीजिए. आपको भी पता है 150 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है जी, 2 घंटे से 2.5 घंटे लगता है. फिर से मान लीजिए आधा घंटा मिलाने के लिए लगता है, बस काम खत्म. आज मिला लीजिए, फिर से कल चेक कर लीजिएगा. ठीक है जी, तो ऐसे कीजिए. और हर एक चैप्टर में दिया गया है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को लगाइए, समझिए क्यों, जिस लॉजिक से आप पढ़े उस लॉजिक से क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है. कोई दिक्कत है तो उसको भी समझिए. आपको मैं बता रहा हूँ, पूरे इस बुक को मैंने पूरे बना रखा है जी. इसके अलावा मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए भी बना रखा है. तो प्लीज आप जाएं और मैं सारा काम सोशल पढ़ाया हूँ. बात की जाए फ्रिक्शन की, तो देखिए फ्रिक्शन सिंपल मशीन में हम लोग फ्रिक्शन चलते हैं. फ्रिक्शन जो है आपको वहीं लगता है जहां पर क्या होगा जी, जहां पर क्या होगा, एक कॉन्टेक्ट होगा एक लेयर के बीच दूसरे लेयर के बीच. क्या होगा जी, कॉन्टेक्ट होगा. जैसे आप यहां देख सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के बीच और इसके है जी सरफेस सरफेस क्या है, कॉन्टेक्ट है. इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा जो रोल प्ले करेगा अपना. घर्षण एक प्रकार का बल है जो गति को विरोध करता है. घर्षण जो है हमेशा क्या होता है जी, मोशन के क्या आता है, टेंडिंग टू मोशन या मोशन के अपोजिट में लगता है जी. तो वही बोला गति का विरोध करता है, यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है. ऐसा नहीं है कि गति अगर नहीं रहेगा तो नहीं. देखिए अगर मान लीजिए इसमें गति नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इसको टेंड, अगर मैं इसको इधर की तरफ खींच रहा हूँ तो एटलीस्ट इसको मोशन तो नहीं है, लेकिन इसकी टेंडेंसी तो है कि आगे जाना चाह रहा है. तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा. जब तक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा. तो अगर फ्रिक्शन से कम भी फोर्स लगा रहा है तो फ्रिक्शन तो लग रहा है ना, तो वो स्टेटिक फ्रिक्शन है. लेकिन वही जब मोशन में चलने लगेगा तो फ्रिक्शन लगेगा तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा जी. ठीक है, हम उसके बाद में बात करेंगे. चलिए, अब बोला है ये हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है. बल घर्षण को कम करने के लिए स्नेह का प्रयोग होता है. बोल रहा है कि क्या है जी, लुब्रिकेंट का भी यूज किया जाता है बल घर्षण को कम करने के लिए. स्वनियंत्रित होने वाला बल है जो आवश्यकता अनुसार अपने मान को घटा बढ़ा सकता है. बोल रहा है कि अपने मान को क्या कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है जी. मैंने बोला ना कि देखिए पहले स्टैटिक है, उस पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा, उसको मैं इसको खींचूंगा तो एक लिमिट तक नहीं खींचेगा. उसके बाद जब ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो क्या रहेगा, मूव करेगा. उसके बाद क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर लगने लगा. काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है जी, कम होता है. जो स्टैटिक फ्रिक्शन था, जो पहले मैंने स्टैटिक था तो उस समय फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा था, लेकिन जब काइनेटिक फ्रिक्शन होता है तो कम लगने लगता है जी. ठीक है, वही बोला कि स्वनियंत्रित होने वाला बल जो आवश्यकता अनुसार क्या होता है, अपना मान घटा बढ़ा लेता है. इसकी एक अधिकतम सीमा होती है जिसे चरम
घर्षण या सीमांत बल कहते हैं। एक मैक्सिमम था कहाँ था जी, स्टैटिक था, तो वही बोला कि एफ लिमिट क्या जी, वही उसका क्या हो जाएगा चरम घर्षण या सीमांत बल बोलेंगे जिसको, ठीक है। तो वही बोला एफ लिमिट बराबर क्या हो जाएगा म्यू एम जी, ठीक है। अगर बात की जाए इस ब्लॉक के लिए तो इस पे अगर बात की जाए तो एम जी नीचे लग रहा है, देखिए इस पे क्या जी, इस बोला इस सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या जी जो जो फ्रिक्शन का कोफिशियंट है क्या है म्यू है, फ्रिक्शन का क्या है जी नियतांक क्या है म्यू है, तो म्यू एम जी क्या हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, एफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा जी म्यू एम जी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं घर्षण के प्रकार। देखिए मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो आपको इस बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो आप इससे घबराने नहीं कि मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ आपको, आप जब क्वेश्चन इसका बनेगा ना इस चैप्टर का तो आपको पता चलेगा कि मेरा बताया हुआ चीज कितना इसमें मैच कर रहा है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या कंसेप्चुअली मैंने पढ़ाया है। स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक को स्टैथिक बोलते हैं, काइनेटिक को सर्वी या गतिज घर्षण बोलते हैं जी। एक होता है रोलिंग यानी लुटेनिक यानी रोल कर रहा है जी, मूव कर रहा है। एक लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने अभी देख ही लिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है जी एक बाउंड्री डिसाइड करता है, उसके मैक्सिमम मिनिमम बाउंड्री डिसाइड करता है। चलिए तो स्टैटिक इस सबका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। ये तब लगता है जब वस्तु स्थिर अवस्था में रहता है, सीमांत घर्षण ये तब लगता है जब वस्तु लुढ़कने या लुढ़काने पर होती है, लुटने की ये तब लगता है जब वस्तु लुढ़क रहा होता है, ठीक है जी रोलिंग है। एक ये तब लगता है जब वस्तु फिसल रहा है, क्या होता है जी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है जब फिसल रहता है तब लगता है। चलिए तो अब बात कीजिए इसमें सबसे ज्यादा कौन होगा, तो सीमांत घर्षण क्या होगा सबसे ज्यादा होगा जी, ठीक है ना। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, उसके बाद रोलिंग। रोलिंग देखिए इसीलिए अगर मान लीजिए बोला जाता है कि आप किसी जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है जी ड्रम है, मैं इस ड्रम को ऐसे इसको ऐसे घींच के ले जाऊं रस्सी बांध के, अगर मान लीजिए रस्सी से बांध के लिए ऐसे ले जाऊं तो सही रहेगा, या इसको ऐसे में इसको ऐसे ढुलका के ले जाऊं तो सही रहेगा, तो इसको क्या होगा लुटकाना सही होगा, क्योंकि देखिए लुटनी की घर्षण क्या है जी कम है, सीमांत घर्षण क्या है ज्यादा है, समझे बात। तो इस लुटनी घर्षण कम है इसलिए क्या होगा उसको हम रोलिंग कराते हुए ले जाएंगे जी, क्या रोल इसका इंग्लिश नाम क्या है जी रोलिंग फ्रिक्शन ही तो है, इसको हम घुमाते हुए ले जाएंगे। चलिए बात कीजिए बॉल बेरिंग गतिज घर्षण को लुटनी घर्षण में बदल देता है, बोला बॉल बेरिंग जो गतिज घर्षण है ये क्या होता है बॉल बेरिंग क्या होता है घर्षण घर्षण को क्या होता है लुटनी घर्षण में बदल देता है, जिससे क्या हो जाता है उससे फ्रिक्शन क्या होता है कम होता है जी घर्षण के। अब देखिए अब देखिए कोई भी चीज होता है उसके दो दो होते हैं जी, या तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है एक निगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, निगेटिव एस्पेक्ट जो हमारे लिए क्या होता है नुकसानदेह होता है। बात की जाए कि इसके लाभ क्या है, तो बोल रहा है कि पृथ्वी और गाड़ियों को या मनुष्यों को चलना, अगर मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम चल नहीं पाएंगे, हम साइकिल नहीं चला पाएंगे जी, फोर व्हीलर नहीं चला पाएंगे, बहुत सारे ऐसे वर्क है जो हम नहीं कर पाएंगे, तो घर्षण हमारे लिए क्या है जी नेसेसरी भी है। लेकिन बात करें कि घर्षण जब अब कहीं और बात कर रहे हैं जैसे मशीनों के पार्ट पुर्जे में बात की जाए, बर्फ और पानी बालू पर चलने में कठिनाई का होना, देखिए अब घर्षण से हानि क्या होता है जी, अगर मान लीजिए आपको कहीं जो मशीन है वो क्या करता है एक दूसरे से क्या होता है जी कांटेक्ट में आता है तो उसे क्या होता है जी उसके पुर्जे क्या होते हैं खराब होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं खराब होने लगते हैं, ठीक है ना। तो यहां से देख सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग लुब्रिकेंट स्नेहक का यूज करते हैं, जैसे तेल ग्रीस मोविल ग्रेफाइट पेंसिल ये सब का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ हमारा सही है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। घर्षण गुणांक यानी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमने म्यू वहां लिखा था म्यू वही है जी, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है म्यू होता है। घर्षण गुणांक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का क्या होता है अनुपात होता है, ठीक है जी। ये क्या होता है बोल रहा है कि घर्षण गुणांक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब मतलब क्या है जी परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उस बल का क्या होता है अनुपात क्या होता है जी, तो आपको म्यू होता है, क्या होता है घर्षण गुणांक होता है। देखिए यहाँ पे घर्षण गुणांक मैं समझा रहा हूँ आप, देखिए ये क्या है जी एक मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है सरफेस है, इस सरफेस पे क्या लग रहा है इसको हम अगर इधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा इधर फ्रिक्शन इसको खींचेगा, तो देखिए इधर एम जी लग रहा है, इधर क्या लग रहा है ऊपर नॉर्मल लग रहा है, ये देखिए ये जो ब्लॉक है उसको अर्थ खींच रहा होगा एम जी फोर्स से, और ये सरफेस है उसको ऊपर की तरफ क्या लगा रहा होगा नॉर्मल फोर्स लगा रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है जी। तो देखिए हमने रिएक्शन फोर्स इधर लगाया एम जी इधर लगाया, इधर एक फोर्स लग रहा होगा इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, देखिए ये क्या है जी एफ बी डी बोलता है, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सारे फोर्स अगर दिखा देते हैं यानी सारे कॉन्टेक्ट हटा कर तो उसको क्या बोलते हैं एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं जी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो आपको वर्क पावर एनर्जी में मैं आगे चलूंगा फोर्स से रिलेटेड चलूंगा तो वहां पे आपको वेक्टर के भी कुछ क्वेश्चन हमको समझने पड़ेंगे, क्योंकि क्या पता वेक्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो हम लोग उस समय क्या करेंगे जी एफ वीडियो वगैरह बनाएंगे, अभी अब उतना जरूरत नहीं है। लेकिन अभी देखिए बोल रहा है कि जो घर्षण गुणांक है म्यू, घर्षण गुणांक म्यू है क्या है जी घर्षण बल बत्ता अविलंब प्रतिक्रिया, घर्षण बल मान लीजिए क्या है जी एफ है,
यहाँ पे क्या है, घर्षण बल क्या है, जी एफ लग रहा है। और अविलंब प्रतिक्रिया क्या है जी, अविलंब प्रतिक्रिया क्या है, ये अविलंब है, ऊपर लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, वो क्या है जी, आर है। तो इस दोनों का रेशियो को क्या बोलते हैं जी हम लोग, तो घर्षण नियतांक बोलते हैं, मैं बोलते हैं घर्षण नियतांक मात्रहीन होता है, क्योंकि फोर्स अपन फोर्स क्या हो जाएगा जी, आपको भी पता है विकृति क्या होती है, लेंथ अपॉन लेंथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीमाहीन राशि हो जाएगा। इसका मान बोल रहा है कि 1 से 1 के बीच क्या होता है, वेरी करता है जी। नोट, घर्षण बल का मान सतहों के प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन सतहों के बीच क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए इस पे घर्षण लग रहा है इस दोनों के बीच, तो इसके ये जो पेन है और इस पेपर के बीच पे निर्भर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके एरिया ज्यादा हो जाएगा तो घर्षण बल ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अब ये एरिया, मान लीजिए पेन वाला ही मेरे पास मटेरियल रहता है, इस पेन वाला ही मटेरियल मान लीजिए चल रहा था, जैसे मानते हैं इस वाले को मान जाएगी, ये क्या है मेरे पास, ये ठीक है। अब ये पेपर और ये बुक वाले पेपर में क्या हो रहा है जी, घर्षण हो रहा है। तो अभी भी जितना घर्षण हो रहा है, अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूं, इसका मैं एरिया बढ़ा दूं, वेट तो वही रहना है, तो एरिया अगर बढ़ा दूंगा तो घर्षण क्या होगा, वही रहेगा जी, यही कहना चाह रहा है। तो इसके एरिया पर नहीं डिपेंड करता, किस पर डिपेंड करता है, इसके नेचर पे और इस पेपर के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, घर्षण बल। तो हम लोग यहाँ से देख चुके हैं, और आगे हम लोग पढ़ेंगे जी पुल्ली, आगे क्या पढ़ेंगे पुल्ली। तो यहाँ पुल्ली जो है, अब देखिए हम लोग थोड़ा बहुत अब हम लोग न्यूमेरिकल के करीब जाने वाले हैं, इस टॉपिक में पूरा हम लोग पढ़ेंगे जी थ्योरी के पुल्ली के बारे में, उसके बाद अगले वाले लेक्चर में हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में चल रहे हैं, और शांति के साथ पूरा का पूरा लाइन सुनते रहिएगा, ठीक है ना। पुल्ली के बारे में आपने सबको इसी ने पुल्ली देखा होगा, बहुत जगह पुल्ली देखा होगा जी, इसमें कोई बात नहीं है कि पुल्ली के अपने नहीं देखा होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है घिरनी एक गोल स्तंभ होती है, क्या दी होती है घिरनी, आपको मैं बता देना चाहूंगा जी, एक पुल्ली अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक गोल ऐसा होता है, ठीक है जी, गोल एक ऐसा होता है, क्या है पुल्ली है, ये दोनों क्या जी, मैंने एक्चुअली एक बड़ा बना रखा है, छोटा बना, दोनों बराबर ही है जी, ठीक है ना, एक ऐसा है, ये क्या है, एक पुल्ली है, ठीक है। इसी पे क्या होता है जी, इसी पे क्या होता है, रस्सी ऐसे क्या होता है, ऐसे मूव करता है जी, रस्सी क्या होता है, ऐसे हम लोग अपना वर्क निकालते हैं जी। अब बात की जाए, जैसे मैं एक बना रहा हूँ, एक डायग्राम देखिए, मैं ये बना रहा हूँ कि ये क्या है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या किया, एक टेबल पर रख दिया जी, एक टेबल पर मैंने क्या किया जी, एक पुल्ली लगा दिया, एक पुल्ली लगाया, देखिए टेबल पर कॉर्नर पर लगाया, यहाँ से क्या हुआ, एक मैंने रस्सी के थ्रू बांध दिया है, और इसको ऑब्जेक्ट को मैंने बांध रखा है जी, ठीक है ना। और ये क्या होगा, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा क्या होगा, इसमें रस्सी में आएगा, इस रस्सी से क्या होगा, ये खींच रहा होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये पुल्ली से हमने क्या किया जी, बिना काम किए हमने इसी ऑब्जेक्ट से क्या किया, इसको खींच लिया। तो पुल्ली हमारे लिए क्या हेल्पफुल है, हम इसी को समझेंगे, ये मैंने 2D में बनाया, ये मैंने 3D में बनाया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी लेथ को इंजन से चलाना है तो इंजन की घिरनी और लेथ की घिरनी पर बेल्ट चढ़ाकर इंजन की शक्ति से क्या करते हैं जी, लेथ को चलाते हैं। बोला कि क्या होता है जी, घिरनी की वजह से क्या होता है, उसका क्षमता बढ़ जाता है, घिरनी के ब्यास से ही मशीनों के गति को कम या ज्यादा किया जाए। बोला घिरनी का ब्यास अगर छोटा बड़ा किया जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, उसकी गति को कम या ज्यादा किया जा सकता है जी। जब मशीनों के बीच की दूरी अधिक होती है वहां घिरनी का प्रयोग किया जाता है। बोला जब मशीनों के बीच की दूरी क्या होती है, अधिक होती है, वहां घिरनी का उपयोग किया जाता है। इन पर चमड़े के पट्टों तथा रस्सों के चलाकर, ठीक है ना जी, चमड़े के पट्टे भी चलते हैं, रस्सी वो भी हो सकता है कि रस्सी एक ही रन नहीं हो, तीन तीन राउंड हो, एक राउंड, जैसे मैं बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए एक राउंड भी ऐसा हो सकता है कि एक राउंड गया हो गया हो। कहीं कहीं हमको क्या होता है जी, ऐसे पुल्ली भी होते हैं जो हमको क्या करना है, तीन तीन राउंड जरूरत है। जैसे एक राउंड यहाँ पे ऐसे रहा, एक राउंड ऐसे रहा, एक राउंड ऐसे रहा, वहां पे पट्टी और रस्सी जो है तीन तीन राउंड हो, दूसरे पे भी क्या हो जाएगा, ये कहीं और से जुड़ा होगा, देखिए कहीं और से जुड़ा होगा, मान लीजिए कोई और पुल्ली से जुड़ गया है, ये जो है कहीं और आगे जाके कहीं किसी और पुल्ली से जुड़ गया है, ऐसे ये कहीं और जाए, तो वो डिपेंड करता है हमको कैसा यूज करना है जी। तो उसमें एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है हमको यूज क्या करना है जी। बोला है इन मशीनों के बीच की दूरी अधिक होती है तो घिरनी का यूज करते हैं, इन चमड़े को पट्टो या रस्सों को चढ़ाकर घिरनी को दूसरे घिरनी से क्या करती है, शक्ति दी जाती है। घिरनी केवल बल की दिशा में परिवर्तन करती है, बल का मैग्नीट्यूड में नहीं करती है जी, मैं बताना चाहूंगा, मैग्नीट्यूड में कमी नहीं करती, केवल डायरेक्शन चेंज करती है। घिरनी का यांत्रिक लाभ एक या एक से अधिक भी हो सकता है, यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज क्या जी, एक या एक से अधिक होता है। यदि इंजन में किसी दूसरी मशीन से चलाया जा रहा है, यदि इंजन से किसी दूसरी मशीन को चलाया जा रहा है तो इंजन की घिरनी चलाने वाली घिरनी कहलाएगी, और मशीन को चलाने वाली क्या जाएगी, मशीन चलाने वाली घिरनी कहलाएगी जी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं जी, बोला है कि घिरनी में प्राय ढलवा लोहे का होता है, घिरनी किसका होता है, ढलवा लोहे का होता है, जिसमें बीच के भाग घिरनी के हावल के बाजुओं से जुड़ा होता है। घिरनी के बाजुओं की संख्या 4 से 6 तक
होते हैं। घिरनी के हर भाग को मापी ऐसी रखी रहती जाती है उस पर पड़ने वाले हर बल को सहन कर सके। उसमें देखिए, अब घिरनी को ऐसे माप रखा जाता है कि क्या है कि हर भाग क्या जाए सहन कर सके बल को, नहीं तो ऐसा हो कि कहीं कोई पार्ट टूट जाए तो ऐसे नहीं पॉसिबल है ना जी। घिरनी की हॉल की चौड़ाई पट्टे की चौड़ाई से कुछ ही ज्यादा रखी है। घिरनी का जो हॉल है मतलब उसमें खांचे जो बने हैं वो क्या होगा जी, जो पट्टा है उसकी चौड़ाई से क्या होगा, ज्यादा रखी जाती है, ठीक है ना। इसके हॉल पर दो प्रकार के बल लगे होंगे, एक तो पट्टे की खिंचाव के कारण और दूसरा उसके घुमाव के कारण। पट्टे के खिंचाव के कारण दूसरा क्या है जी, घुमाव के कारण, दो बल लगे होते हैं। यहाँ तो समझ सकते हैं, एक बहुत थियोरेटिकल पोर्शन है लेकिन एक बार मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। एक वर्ग इंच परिच्छेद के हॉल की घिरनी की गति 100 फुट प्रति सेकंड से अधिक होनी चाहिए। जहाँ अधिक गति की आवश्यकता होती है वहाँ कच्चे और ढालवा लोहे की मिलाकर घिरनी बनाई जाती है। कच्चे और ढालवा लोहे का बनाया जाता है जी, लेकिन हम लोग जनरली पूछा जाएगा घिरनी किसका बना होता है जी, तो हम क्या बोलेंगे जी, ढालवा लोहा बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, ढालवा लोहा बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अधिक गति से चलने वाली घिरनियों को ढाला नहीं जा सकता, बोला है अधिक से चलेगा तो ढाला नहीं जा सकता, बल्कि उसके विभिन्न भागों को अलग अलग बनाकर पेचों द्वारा जोड़ा जाता है। और इस प्रकार की घिरनी का भार भी प्रायः अधिक नहीं होता है और ना ही उसके टूटने का डर रहता है। घिरनी का आकर्षण केंद्र बीच में होना चाहिए, अगर ऐसा ना हुआ तो घिरनी का तोलन खराब हो जाएगा, क्या जाएगा और उससे क्या हो जाएगा जो टूटने की संभावना हो जाएगी। घिरनी का तोलन जांचने के लिए घिरनी के दोनों किनारों के आधारों पर रखा दिया जाता है। यदि घिरनी धुरी हर स्थान पर रुकी रहे और घूमे नहीं तो उसके तोलन ठीक होगा, और अगर किसी ओर घूम जाए तो उससे पता चलता है कि घिरनी एक ओर से भारी है। घिरनी जिस ओर भारी होती हो उसके दूसरी ओर उतना ही वजन बांध कर उसका तोलन क्या किया जाता है, ठीक कर लिया जाता है जी। यहाँ से हमने घिरनी का क्या किया जी, पुल्ली के बारे में हमने एक थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ा। अब चलिए जी, अब आते हैं इसके हमने लॉजिकल पार्ट पे। लॉजिकल पार्ट ही हमारे लिए क्या है जी, काम के लिए है। बात कर लिया जाए विभिन्न प्रकार की क्या घिरनियाँ, तो चलिए जी विभिन्न प्रकार की घिरनी है जिसमें से हम दो तीन प्रकार की घिरनी पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये फिक्स्ड पुली है, क्या जी फिक्स्ड पुली है, फिक्स घिरनी है, ठीक है। देखिए ये घिरनी क्या है जी, इसको फिक्स कर दिया गया है, इसका जो हिंच है जो फिक्स है। देखिए ये क्या है, ये पुली मूव नहीं कर सकता, यहाँ से ये रोटेट जरूर करेगा लेकिन यहाँ से घूम नहीं करेगा, यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ नहीं आ जाएगा, ये ऐसे ही घूमता रहेगा, लेकिन ये क्या है फिक्स है। तो देखिए फोर्स अगर लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको क्या होगा ऊपर की तरफ हम लोग खींच लेंगे इस रस्सी के थ्रू। देखिए तो यहाँ से बोल रहा है कि फिक्स है, कौन सा पुली है जी, फिक्स है। तो फिक्स पुली क्या अक्ष बेरिंग में होता है, बोल रहा है कि फिक्स पुली का जो अक्ष है ये बेरिंग में रहता है जी, जो एक सहायक संरचना से जुड़ा होता है। फिक्स पुली बल की दिशा को रस्सी या बेल्ट से बदलती है, बोला है जो फिक्स पुली है, देखिए बल की दिशा जो है किससे बदल रही है जी, पुली से बदल रहा है, और ये किससे रस्सी और बेल्ट से बदली जाती है जो इसकी परिधि के साथ आगे बढ़ती है। बोल रहा है कि इसकी परिधि है जो परिधि उसी के साथ क्या होती है आगे बढ़ता है, ये रोटेट करता रहता है, ये परिधि के आगे बढ़ता रहता है। बात करें यांत्रिक लाभ एक फिक्स पुली और एक मूवेबल पुली के संयोजन से प्राप्त किया जा सकता है। बोला यांत्रिक लाभ किससे किए, फिक्स से भी किया जा सकता है, मूवेबल पुली से भी किया जा सकता है, ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है। अब आए मूवेबल पुली, कौन सा जी, मूवेबल पुली मतलब क्या है जी, चलने वाली मूव करने वाली। देखिए यहाँ पे इमेज से देख सकते हैं ये जो पुली है क्या है जी, अगर इस रस्सी को ऊपर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रस्सी क्या हो जाएगा छोटा होता जाएगा इधर बढ़ता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा जी, ये पुली क्या हो जाएगा घूमता रहेगा ऊपर नीचे, तो ये मूवेबल है यानी जंगम पुली है। जंगम पुली और घुमावदार पुली का अक्ष ब्लॉक में लगा होता है, बोला है कि इसका जो अक्ष है जी कहाँ लगा रहता है, ये ब्लॉक जो है उसके पे लगा है, तो ये क्या है मूवेबल पुली है। एक ही मूवेबल पुली को उसी रस्सी के दोनों हिस्सों के द्वारा समर्पित किया जाता है, और दोनों दो का यांत्रिक लाभ होता है, और दोनों का क्या होता है जी यांत्रिक लाभ होता है यहाँ पे। चलिए कंपाउंड पुली की बात करते हैं, तो कंपाउंड पुली में अगर बात की जाए तो कंपाउंड पुली में क्या है जी, एक तो फिक्स है और एक क्या है जी मूवेबल है, तो इसको कंपाउंड बोल दें क्योंकि दोनों आ गया। तो देखिए यहां से मूव कर रहा है, ये फिक्स है, पुली हमेशा फिक्स रहेगा, और ये क्या होगा, ये रस्सी छोटा होता जाएगा, रस्सी इधर घिंचता जाएगा तो क्या जाएगा ऊपर ही उठता जाएगा, तो ये मूवेबल पुली हो जाएगा। बोल रहा है यह फिक्स और मूवेबल पुली के संयोजन से बनाता है, जितना ज्यादा जुड़ेगा यांत्रिक लाभ बढ़ेगा, जितना ज्यादा जुड़ेगा क्या जी उतना लाभ बढ़ेगा। इसका मतलब है जितना ज्यादा पुली बढ़ेगा उतना लाभ बढ़ता जाएगा, यानी पुली की संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा जी हमारा यांत्रिक लाभ क्या होगा बढ़ता जाएगा। या हमको पता है कि हम पुली का यूज क्यों कर रहे हैं जी, पुली का हम यूज ही तो कर रहे हैं कि यांत्रिक लाभ हमको क्या मिले ज्यादा मिले। जब तक यांत्रिक अगर यांत्रिक लाभ ज्यादा नहीं मिलता तो पुली का यूज क्यों करते हैं, तो इसीलिए तो लाए हैं हम पुली को, तो इसलिए लाए हैं कि हमको क्या करें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले जी। बात करते हैं पुली के वर्क, तो पुली का कार्य क्या है जी, बोला है
पुली प्रणाली के लिए ऑपरेशन का सबसे सरल सिद्धांत माना जाता है पुली और रस्सी भार रहित होती है। अब देखिए कैलकुलेशन कर ले के लिए हम पुली और रस्सी को मानते हैं कि क्या है जी उसमें कोई भार नहीं है और घर्षण के कारण कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है। ये हम लोग क्या है सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए बनाते हैं। लेकिन वहीं आपको अगर बात की जाए पोस्ट ग्रेजुएट और PhD वाले यहाँ तक इवन दो BTEC वाले एंड MBBS वाले जो अगर जो भी उनसे रिलेटेड है यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD वाले तो वो लोग क्या होते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल थ्योरी की तरफ चलते हैं और वो लोग सब एक कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम बात की जाए ग्रेजुएशन से पहले तो आपको पता है सारा का सारा आइडियल पुली लिया जाता है। रस्सी जो होती है माना जाता है कि जीरो वेट है तो ऐसे बनाया जाता है। घर्षण के कारण कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है। ये भी माना जाता है कि रेखाएं फैलती नहीं है। देखिए अब जो रस्सी है वो फैलेगा नहीं ये भी माना जाएगा जी क्योंकि वो आइडियल माना जाता है। संतुलन में चलती ब्लॉक पर बलों का शून्य होना चाहिए बोला संतुलन में बोल ब्लॉक जो ब्लॉक का बल है क्या होना शून्य चाहिए। इसके अलावा रस्सी में तनाव इसके प्रत्येक हिस्से के समान होता है। बोला कि रस्सी का कोई भी हिस्सा है जैसे मान लीजिए ये मेरे पास रस्सी है मैंने इसको जोड़ा है जैसे कैसे भी तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए तनाव अगर T है टेंशन इस दोनों में ठीक है तो यहाँ पे भी रस्सी में टेंशन क्या होगा तनाव सेम होगा जी क्योंकि इसमें क्या है जी वेट नहीं है तो हर जगह टेंशन क्या होगा सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी तनाव क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे जी FVD डायग्राम पढ़ेंगे उसमें हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे और आगे पढ़ेंगे जी ठीक है ना। तो और कुछ हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो बात करते हैं FVD डायग्राम की। तो FVD क्या है फ्री बॉडी डायग्राम मुक्त शरीर आरेख। एक पुली और यांत्रिक लाभ का विश्लेषण मुक्त शरीर आरेख के प्रयोग करके किया जा सकता है ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम देखिए जहां जहां फोर्स लगता है फोर्स का कैलकुलेशन करना हो वर्क निकालना हो फोर्स के थ्रू वेक्टर के थ्रू जो भी वर्क करना है तो हमको FVD बनाना पड़ता है जी। अब तो बोल रहा है कि मुक्त शरीर आरेख का प्रयोग करके किया जाता है जो लोड पर गुरुत्वाकर्षण बल के साथ रस्सी में टेंशन बल को संतुलित करता है। एक आदर्श प्रणाली में द्रव्यमान और घर्षण रहित पुली ऊर्जा को खत्म नहीं करते और एक रस्सी की दिशा में परिवर्तन की अनुमति देता है। बोला कि क्या होता है जी परिवर्तन की अनुमति देता है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम देखिए दिया गया है क्या दिया गया है एक ब्लॉक दिया गया है दो ब्लॉक दिया गया है एक आपको पुली दी गई है ठीक है जी एक पुली दी गई है। इसमें बोला जाए कि ये मास M1 है इसका एक्सेलरेशन क्या है जी ऊपर की तरफ है ये रस्सी में क्या है टी टेंशन है यहाँ पे टेंशन टी है यहाँ पे भी टेंशन T2 है। बोल रहा है कि क्या है जिसमें ऊपर T2 लग रहा है इसका एक्सेलरेशन क्या है जी नीचे है ये यानी ब्लॉक जो है मास M2 क्या है ज्यादा है तो M2 मास ज्यादा है तो इधर की तरफ आएगा तो इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी और M2G यानी जो ब्लॉक का मास है M2 है इस ब्लॉक का मास M1 है तो ये क्या है जी ये भारी है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हमने क्या किया यहाँ तक देखा जी। अब अगर हमको इसका FVD बनाना होगा इसका अगर FVD बनाना होगा कौन सा जी हमको FVD बनाना है किसका है तो चलिए हम FVD बनाते हैं जी आपको M1 और M2 जो मास है उसका FVD बनाते हैं। यहाँ समझिएगा बहुत आसानी से समझिएगा जी हमारा ही पास एक M2 है तो हमको क्या करेंगे M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है एक ग्रेविटी का लग रहा है जी कौन सा M2G लग रहा है जो जो फोर्स लगेगा हम उसको दिखाएंगे। एक रस्सी ऊपर खींच रहा होगा T2 से खींच रहा है बस दो लग रहा है फोर्स हमने दिखा दिया। इसका एक्सेलरेशन कितना है जी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ई है हमने दिखा दिया। वैसे ही मान लीजिए M1 का बनाना तो M1 पे क्या है जी ऊपर की तरफ क्या लग रहा है टेंशन T1 लग रहा है नीचे क्या लग रहा है जी M1G लग रहा है इसका मास क्या है जी M1 ग्रेविटी द्वारा ये लग रहा है M1G ऊपर क्या है एक्सेलरेशन मान लिया हमने ई है ऊपर ठीक है जी। देखिए अब ई एक्सेलरेशन से जाएगा तो ई भी ई एक्सेलरेशन जाएगा देखिए इसलिए मैंने ये माना है ये टेंशन T1 T2 भी क्या होगा बराबर होगा जी ठीक है ना। ये T1 T2 भी ये टेंशन में जहाँ माना जाता है कि जब रस्सी का वेट जीरो है तो ये टेंशन जो लगेगा वही टेंशन यहाँ पे भी लगेगा क्या होगा बराबर भी होगा। तो हम यहाँ से ये हमने FVD बनाया जी ठीक है यहाँ से हमने FVD बनाया। तो हम लोग ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉक का FVD बनाएंगे। अगर मान लीजिए हमको इसमें कहेगा पुली का FVD बनाए पुली का FVD बनाना है देखिए पुली को हमने क्या किया जी ऊपर क्या है ऊपर हिंच कुछ भी रिएक्शन फोर्स ले रहा है हमने उसको R लिखा है। एक क्या है जी इधर T1 फोर्स लग रहा है इधर क्या लग रहा है T2 फोर्स लग रहा है जी। एक नीचे की तरफ ये रस्सी खींच रहा है ये रस्सी भी खींच रहा है T2 की तरफ ऊपर क्या है जी हिंच जो है उसको ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ये क्या है जी पुली का FVD है। तो हम लोग ने FVD अभी बनाना सीखेंगे उसके बाद हर एक चीज में हम लोग क्या निकालेंगे जी मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज से ही हमारा क्या आता है क्वेश्चन आता है जी हमको उसी को पढ़ना है। सभी हम लोग अलग से अलग क्या करेंगे जी अलग अलग किस लेंगे इंक्लाइंड प्लेन लेंगे और
नॉर्मल प्लेन लेंगे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे जी, मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, कुछ मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ उससे क्वेश्चन भी करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि वो मेरे चैनल का पार्ट बने। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू सो मच।